Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, 1st of July से ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो गया है न्यू फाइनेंशियल ईयर और हर फाइनेंशियल ईयर की तरह इस फाइनेंशियल ईयर में भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए हैं जो कि रिलेटेड हैं माइग्रेंट्स को लेकर के। काफी सारी वीजा कैटेगरीज में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ बहुत मेजर चेंजेस हैं, कुछ माइनर चेंजेस हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट वीजा को लेकर के क्या क्या चेंजेस हैं जो कि इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में इंप्लीमेंट हो रहे हैं फ्रॉम 1st of July 2024 से। सो गाइज, सबसे पहला और जो मेजर चेंज हुआ है स्टूडेंट वीजा को लेकर के वो हुआ है स्टूडेंट वीजा फी को लेकर के। 1st of July को ही होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर और नील ने अनाउंसमेंट किया है कि स्टूडेंट वीजा फी को वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं और ये जो इंक्रीज फी है ये 1st of July से इम्प्लीमेंट हो रही है और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये हुआ है 125%। पहले जो स्टूडेंट वीजा फी हुआ करती थी वो थी 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन अब अगर आप लोग स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे तो वहीं आपको फी पे करनी पड़ेगी 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ये जो इतना मेजर चेंज गवर्नमेंट ने किया है इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि द होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील सेड ऑन मंडे द इंक्रीज्ड फी विल मेक द माइग्रेशन सिस्टम फेयरर एंड स्मॉलर। एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर एडेड द फी इंक्रीज वुड ऑल्सो फंड इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स सच एज पेमेंट्स फॉर कंपल्सरी वर्क एक्सपीरियंस एंड फ्री प्रिपरेशन कोर्सेज फॉर द यूनिवर्सिटीज। तो भाई उनका मानना यह है, सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट ने अपनी माइग्रेशन स्ट्रेटेजी में देखिए बताया था कि वो जो माइग्रेशन के नंबर्स हैं उनको कम करना चाहती है, और सेकेंड ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वही ऑस्ट्रेलिया में आए। नाउ गाइस, जो सेकेंड चेंज है फॉर स्टूडेंट वीजा वो ये है कि जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर यहाँ पर काम करते हो, चाहे आप पार्ट टाइम वर्क करें, कैजुअल काम करें, कैसा भी वर्क करें, तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट को इंक्रीज कर दिया है जो कि एक अच्छी खबर है। पहले जो मिनिमम वेज रेट थी वो थी $23.23, लेकिन अब वहीं आपकी मिनिमम वेज रेट हो गई है $24.10 पर आवर। सो एज पर द वीजा कंडीशंस एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली अलाउड है वर्क करने के लिए, या कह लीजिए कि 24 आवर्स इन अ वीक अलाउड है। तो इस केस में अब आप लोगों की वीकली जो अर्निंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट वुड बी 578 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड 40 सेंट्स। एंड गाइज, मेरा एक सजेशन है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि जब आप लोग यहाँ आते हैं और काम ढूंढते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग या तो ABN पे काम करें या TFN पे काम करें। कैश इन हैंड की जॉब प्लीज ना करें, बिकॉज कैश इन हैंड जॉब जो है ऑस्ट्रेलिया में इलीगल होती है, और कैश इन हैंड वाली जॉब पर देखिए वो आपको मिनिमम वेज रेट भी पे नहीं करेंगे जो कि $24.10 है। अब 23rd March 2024 से GT रिप्लेस हो गया था विथ न्यू जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। तो अब जो भी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन हो रही है आफ्टर 23rd of March आप लोगों को GT की जगह न्यू जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। पहले आप एक 300 जो वर्ड्स है उसका SOP लिखा करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक सेट टारगेटेड क्वेश्चंस दिए हैं और अब आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे जब आप लोग अपनी वीजा एप्लीकेशन करते हैं। देखिए, ये जो भी सारे क्वेश्चंस उनमें मेंशन है उसमें बेसिकली वही सारी चीजें हैं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं, आपने यही डेस्टिनेशन क्यों चुना है, आपने यही कोर्स क्यों चूज किया है, और इस कोर्स को चूज करके आप लोगों का फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट चेंज 1st of July से इम्प्लीमेंट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू द सुपर एनुएशन। तो जो सुपर एनुएशन की रेट है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी। सो गाइज, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सुपर एनुएशन होता क्या है। तो सुपर एनुएशन एक्चुअली वो अमाउंट है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर जो है आपके सुपर अकाउंट में जमा करता रहता है, और आप लोग अपना ये जो सुपर एनुएशन का अमाउंट है इसे केवल तभी ले सकते हैं तब जब या तो आप रिटायर हो रहे हो या फिर आप परमानेंटली कंट्री को लीव कर रहे हो। इन दो केसेस में ही आप अपना जो सुपर है उसे यूज कर सकते हैं। सुपर एनुएशन को ये लोग सुपर बोलते हैं, तो तभी आप इस सुपर अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो पहले ये जो रेट थी सुपर एनुएशन की वो थी 11%, लेकिन 1st of July से अब ये जो रेट है ये बढ़कर हो गई है 11.5%। तो गाइस, सुपर एनुएशन का अमाउंट सबका ही यहाँ पर जो है इकट्ठा होता है, चाहे आपका किसी भी टाइप का जॉब हो, पार्ट टाइम हो, कैजुअल हो, फुल टाइम हो, कैसा भी जॉब क्यों ना हो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मान लीजिए आपकी वीकली जो इनकम है वो है $1000, ठीक है। तो अब जो रेट हो गई है दैट इज 11.5%, तो 1000 का 11.5% अगर आप निकालेंगे तो वो बनता है $115। यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर वीक $115 आपके सुपर अकाउंट में जमा करता रहेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि वो जो 11% रेट थी अब वो बढ़कर के हो गई है 11.5%। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है। तो जो पहले हुआ करती थी 5.5 इन IELTS, अब वही अगर आप लोग स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को IELTS में लाने पड़ेंगे मिनिमम 6 बैंड, और अगर आप लोग PTE देते हैं तो उसके इक्वेलेंट बैंड आपको लाने होंगे। 1st of July 2024 से गवर्नमेंट ने नया टैक्स रेट सिस्टम भी जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है।
तो वो भी एक अच्छी खबर है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो एक्चुअली लो या मीडियम इनकम वाले लोग हैं उन्हें अब पहले के कंपैरिजन में लो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम जीरो से लेकर के 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो उस केस में देखिए आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता है, दैट इज अ जीरो टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम 18,201 से लेकर के 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो उस केस में आप लोग पे करेंगे 16% टैक्स, जो कि पहले आप लोग पे किया करते थे 19%। और अगर आप लोगों की एनुअल इनकम 45,001 से लेकर के 135,000 तक है तो उस केस में आप लोग पे करेंगे 30% टैक्स, जो कि पहले पे किया करते थे 32.5%। 135K से लेकर के अगर 190K तक आपकी इनकम है तो उस केस में आप पे करेंगे 37% टैक्स, और अगर आपकी इनकम 190K से ज्यादा है तो आप पे करेंगे 45% टैक्स। बट यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो इनकम है वो 135K से नीचे ही होती है, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट चेंज इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 जुलाई से वो है कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में है ऑन विजिटर वीजा तो आप लोग ऑनशोर अपने विजिटर वीजा को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वीजा हॉपिंग है ये हो गई है बंद। सेकंड चेंज ये हुआ है कि अगर आप लोग टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा होल्डर हैं तो उस केस में भी आप ऑनशोर वापस से स्टूडेंट वीजा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को कैटेगरीज बता देती हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनके वीजा स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। सो दैट इज सब क्लास 485, सब क्लास 600 जो कि विजिटर वीजा है, सब क्लास 601, सब क्लास 602 जो कि है मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा, सब क्लास 651, सब क्लास 771, सब क्लास 988 एंड सब क्लास 995, सब क्लास 403 एंड सब क्लास 426। तो ये सब क्लास के जो वीजाज हैं ये अब स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट चेंज है दैट इज रिलेटेड टू द टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा। अगर आप लोगों को टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है। पहले एज लिमिट थी 50, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दी है 35 ईयर्स। बट अगर आप मास्टर बाय रिसर्च या आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो उस केस में अभी भी जो एज लिमिट है वो है 50 ईयर्स। एंड गाइज, टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा के लिए भी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है 6 बैंड से लेकर के अब हो गई है आईएलस में 6.5 बैंड, या फिर आप पीटी में उसका इक्विवेलेंट बैंड ला सकते हैं। नेक्स्ट चेंज हुआ है टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा में स्टे ड्यूरेशन को लेकर के। जो पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम वाले लोग हैं, जो कि पहले नाम था ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, तो उन लोगों का ड्यूरेशन भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया और वो अब केवल 18 मंथ्स तक ही स्टे कर सकते हैं इस वीजा कैटेगरी में। एंड गाइज, अगर देखिए आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करते हैं तो अगर आप बैचलर या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो अब आपका स्टे ड्यूरेशन रिड्यूस होकर के हो गया है 2 साल, और अगर आप मास्टर बाय रिसर्च या फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप लोग स्टे कर सकते हैं अप टू 3 ईयर्स। बट यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ है, उनके लिए जो ड्यूरेशन है वो अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। सो गाइज, अगर आपने बैचलर डिग्री की है विथ ऑनर्स तो आप लोगों को मिलेगा अप टू 2 ईयर का वर्क वीजा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन स्टेम इंक्लूडिंग आईसीटी तो आप लोगों को मिलेगा 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और अगर आप मास्टर बाय कोर्स वर्क या रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप लोगों को मिलेगा 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो वहीं आप लोगों को मिलेगा 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। एंड गाइस, जो वीजा एक्सटेंशन वाली चीज थी इसी में, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए फ्रॉम 1 जुलाई से, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो एक्सटेंड नहीं होगा। एंड गाइस, जो लास्ट चेंज है स्टूडेंट वीजा को लेकर के वो है आपका फंड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो जब स्टूडेंट वीजा आप लोग अप्लाई करते हैं तो जो लिविंग कॉस्ट आप लोग शो किया करते थे वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए, तो पर ईयर की लिविंग कॉस्ट अब हो गई है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये थे वो सारे चेंजेस जो कि 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज, प्लीज एक्सप्लोर आवर चैनल, आपको हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।